शासन के चार मंत्री महोदय आए थे, इसमें श्री रविंद्र चौबे जी, श्री मोहम्मद अकबर जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी और श्री शिव नारायण जी दहिया। कुछ विषयों को लेकर उन्हें चर्चा करनी थी और सबसे पहले उन्होंने कुछ विधेयक के बारे में मुझसे आग्रह किया कि जो उन्होंने पिछले समय उस शिक्षा विभाग से संबंधित विश्वविद्यालय के संबंध में जो संशोधन लाए थे 1973 अधिनियम में संशोधन किया था विश्वविद्यालय के संबंध में, और उन्होंने क्योंकि जितने भी कानून का जो भी कुछ विधानसभा में पारित होता है उसके लिए जब तक राज्यपाल की मोहर नहीं लग जाए, सिग्नेचर नहीं होगा, उसको फाइनल नहीं नोटिफिकेशन होता है। तो वो बहुत सारे और भी आए थे, मतलब जो भी होता है, लेकिन विशेष तौर पर ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित था। ऐसे 5 यूनिवर्सिटी के विधेयक यूनिवर्सिटी का उन्होंने संशोधन लाया था, और उस संशोधन में विधेयक में ये था कि जो भी पहले के प्रावधान थे और उसके बाद उन्होंने संशोधन करके तमाम बहुत सारी चीज़ों का जो है, जो कुलाधिपति के जो अधिकार क्षेत्र में रहता है कि नियुक्ति कुलाधिपति जो राज्यपाल होते हैं वो ही नियुक्त करते हैं, और वो भी खोज समिति के अलग अलग नाम, शासन से एक UGC से और एक कुलाधिपति के, तीनों नाम, उसमें भी संशोधन किया था कि ये भी मंत्रिपरिषद की ही अनुशंसा से ही खोज समिति बनेगी, हटाना भी मंत्रिपरिषद, तमाम सारे बहुत सारे कानून जो पहले के बहुत सारे उन्होंने परिवर्तन कर दिया। तो इस संबंध में मैंने उनसे, शासन से जब आया तो मैंने कहा कि ठीक है, राज्य सरकार शासन अपना अपना सरकार अपने हिसाब से कुछ उनका दृष्टिकोण रहता है कि एक और अच्छा हो जाए, इस दृष्टि से भी समय समय पर इस तरह का संशोधन का प्रस्ताव लाती। तो मैंने उनसे कहा भी था कि ठीक है, आपने लाए हैं, मैंने देखा है कि शिक्षा का स्वायत्तता क्या रहता है और बच्चों के भविष्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पूरे देश और दुनिया में इसको एक स्वायत्तता और निष्पक्षता से रहने का, विश्वविद्यालय के इस तरह का UGC की भी गाइडलाइन होती है और उसके हिसाब से ही ये सारे विश्वविद्यालय देश भर में संचालित होते हैं। तो जो भी संशोधन लाए तो मेरा भी, मैंने सरकार से पूछा कि बताइए आप ऐसे 8-10 प्रदेशों का भी, राज्यों में क्या इस तरह के विश्वविद्यालय में इस तरह का प्रावधान किए गए हैं, कृपया मुझे इसके संबंध में पूरी जानकारी से अवगत करवाएं। साथ में ये भी कहा था कि इसका औचित्य क्या है इस तरह का प्रावधान लाने का, क्या UGC की जो गाइडलाइन है उसके दिशा निर्देश के अनुसार ये लाया गया है, और इसके साथ साथ ये तमाम सारी जानकारी के साथ मैंने कहा था कि आप मुझे इससे अवगत कराएं, मेरी भी जानकारी होती कि मैं और नए प्रदेशों के कानून से अवगत हूँ। फिर उन्होंने जानकारी मेरे 4 महीने पहले, मैंने 15 अप्रैल को भेजा था, तो मुझे विदिन अभी 5-6 दिन पहले ही उनकी सारी जानकारियाँ मिली थी। और फिर इसके बाद मैंने देखा उनका जवाब जब आया तो केवल एक ही ऐसा प्रदेश था, गुजरात, जहाँ पर सरकार का जो है कि कुलाधिपति की नियुक्ति का जो प्रावधान उन्होंने कहा है राज्यपाल के परामर्श करेंगे, और उन्होंने 2009 का उल्लेख करते हुए तो ये तमाम सारे बिंदुओं के ऊपर जानकारी दी। फिर मुझसे यही आग्रह करने आए थे कि आप जितनी जल्दी हो सकता है आप इस कानून में हमको जल्दी से इसका आपके द्वारा सिग्नेचर हो जाएंगे तो हम इसको लागू करेंगे। फिर उनको मैंने अवगत कराया कि इस तरह का जो प्रावधान है, और जो जवाब आया कि और अन्य विश्वविद्यालय राज्यों में तो ऐसा नहीं है, आप भी गुजरात का, और जो UGC का जो नोटिफिकेशन
तो मैंने कहा कि यूजीसी का नोटिफिकेशन का जो आधार था उसमें देखा गया है कि उसमें 2018 का वो प्रावधान उन्होंने जो रखा है कि उसमें जो कुलाधिपति को ही अधिकार दिया है वो समिति जो है, और यूजीसी का भी एक जो मेंबर है वो सभापति के द्वारा। मैंने कहा कि देखिए, जब यूजीसी और भारत सरकार का राजपत्र का जब कोई नोटिफिकेशन हो जाता है तो ये इसका उल्लंघन नहीं। इसमें कहा कि अगर जो उसमें लिखा हुआ है भारत सरकार की, अगर इस तरह का कोई भी उल्लंघन होता तो हम ग्रांट नहीं देंगे। तो फिर मैंने मंत्री जी से यही आग्रह किया है कि माननीय मंत्री जी, यूजीसी का और इस तरह का संशोधन नोटिफिकेशन में जो आपने किया है, और यूजीसी का जो है, तो मैंने कहा मैं यूजीसी से भी इसमें मार्गदर्शन लूँगी और इसके बाद ही मैं तमाम सारी चीज़ों को, और मेरा ये अधिकार होता है कि ये शिक्षा से जुड़ा है तो मैं राष्ट्रपति जी तक भी इस संबंध में राय दूंगी। और इसीलिए इस तरह का मेरा अभी फाइलों को रोकना नहीं है, इसकी पूरी कानूनी और प्रक्रिया को समझने की भी ज़रूरत है। और इसी दृष्टिकोण में रखते हुए ये मेरे तरफ से डिले नहीं हुआ, 4 महीने के बाद इनका जवाब आया अभी 6 दिन पहले, और इसके बाद जो जवाब आया तो उसमें भी मुझे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं। यूजीसी की गाइडलाइन और इनमें डिफरेंस है, तो वो चीज़ का भी मुझे इंक्वायरी है। और इसलिए मैंने कहा कि ये तमाम सारी पहलुओं को देखने के बाद ही मैं इस पर निर्णय दूंगी, साइन करूंगी। तो इसीलिए, क्योंकि आप लोगों को भी ये गलतफहमी ना हो कि सरकार और राज्यपाल के बीच में तालमेल और कहीं टकराहट की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि कोई भी संवैधानिक पद पर जब रहता है तो उसको अपनी प्रक्रिया कानूनी और उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और एक ऐसा विषय जो विश्वविद्यालय से संबंधित है और उसके लिए सेपरेट तमाम स्वायत्ता को दृष्टि को रखते हुए यूजीसी ने भी एक गाइडलाइन दिया है, और उसको आप इस तरह से, ये राज्य सरकार का कानून का प्रावधान है, क्या ये इस तरह का किया जा सकता है नहीं, तो इसके लिए मुझे यूजीसी से और हमारे लॉ मिनिस्ट्री सेंटर के भी लॉ मिनिस्ट्री से और राजपत्रित तक उनका मार्गदर्शन में लूँगी, और जब समाधान होगा तभी मैं इस संबंध में कुछ आगे कह पाऊँगी। बीच में जो विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति हुई थी जिसको लेकर विरोधाभास की स्थिति बनी थी राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में, क्या उसके बाद ही राज्य सरकार ने यह तय किया है कि राज्यपाल के अधिकारों पर कटौती करते हुए राज्य सरकार ही नियुक्ति करे कुलपति, ऐसा लगता है? देखिए, ये तो देखिए उन्होंने किस भावना से किया है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, और जहाँ तक जो भी कुछ होगा मैं नियम और प्रक्रिया और जो भी कुछ यूजीसी और तमाम सारी चीज़ों के तहत ही इस पर उनकी मंशा जो भी हो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, और उनका दृष्टिकोण जो भी हो वो अपनी दृष्टि से, हर राज्य सरकार अपनी दृष्टि को मान के करती है तो वो है, तो इस संबंध में मैं उन्हीं से पूछिए तो ज़्यादा अच्छा होगा।